रुपया, क्या वो नोबेल प्राइज केवल दिखाने के लिए मिलता है? जब चंडीगढ़ ऐसे शहर में जिसको हम खूबसूरत शहर बोलते हैं और वहाँ के कर्मचारी जो इस शहर को जो 17 सेक्टर जहाँ प्लाजा में खड़े हैं, कौन इसको चमकाता है, सवेरे आके कौन झाड़ू मारता है? आप जा करके देखिए उसमें से 80% कर्मचारियों का क्या हाल है। जो बातें उठाई गई बिल्कुल 100% सही है। तो हमारी आवाज़ तो यही है कि या तो चंडीगढ़ प्रशासन अपनी आँखें खोलें, क्योंकि देश के बाहर नहीं है चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ भी देश और राज्यों के कानून लागू होते हैं और ज़्यादातर यहाँ पंजाब सरकार के कानूनों को लागू किया जाता है। जब सारी चीज़ों में हम कानून पंजाब सरकार की पॉलिसी को मानते हैं, तो 2011 का बार बार यहाँ जिक्र आया उमा देवी केस का, उसके लिए यहाँ बैठे हुए जो प्रशासक महोदय हैं, जो यहाँ की सांसद महोदया हैं और जो यहाँ के एडवाइजर महोदय, वो आँखें क्यों और कान क्यों बंद कर रखे हैं? हमारा तो यही आग्रह है। और यह नाटक भी हमारे जो छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शित किया उनके माध्यम से यही जगाना था कि भाई अब भी जग जाओ, नहीं तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्योंकि एक कर्मचारी जिनके बाल बच्चे, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी पढ़ाई लिखाई उनके इस पे टिकी हुई है, अगर आप उनके साथ ना इंसाफी करोगे, तो हमारे प्रधान जी ने याद दिलाया 1857 का, जो हमारे मंगल पांडे और कई सारे वीर शहीदों ने शुरुआत की, तो इसमें से भी कई मंगल पांडे निकलेंगे और कई वीर शहीद होने के लिए तैयार हैं जो अपनी लड़ाई को जीतेंगे। और मुझे यकीन है दोस्तों, कहा गया है कि आप आसमां में छेद क्यों नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, और वो समय आ गया है। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी गई, हम नए साल में और भी जोश और उत्साह के साथ अपनी जायज, हम कोई नाजायज और कोई फालतू पॉइंट नहीं उठाते, हमारी जो जायज हक है, बार बार समान काम समान वेतन का आता है, बार बार समानता का जिक्र आता है जो बाबा साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान में हमें दिया है, तो उस चीजों को चंडीगढ़ ऐसे खूबसूरत शहर में नहीं लागू किया जाएगा तो फिर हम किस देश दुनिया की बात करें। मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा यहाँ के माध्यम से अपने मोदी जी से, अमित शाह जी से, या बड़े बड़े मुद्दे बना रहे हैं, रात रात भर लोकसभा चल रहा है, तो इन गरीब कर्मचारियों के बच्चों की भी परवाह करके आप चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर को बचा लो, नहीं तो अब शहर आ गया कि यहाँ कर्मचारी भुखमरी के कगार पे हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज मानवाधिकार दिवस है, तो हमारी आवाज को जरूर सुनी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।